खबरों के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पे ये खबरें आ रही है सामने कि जो एंट ग्रुप है वो पेटीएम में अपना हिस्सा जो है उनका वो बेच सकती है। सेकंड जिसका मतलब चींटी होता है। जी एंट वही ना, वही ग्रुप है। ना ना बताइए, नहीं तो मतलब हम गलत समझ रहे हैं तो हम तो सुधार के लिए तैयार है। या इसका कुछ फुल फॉर्म भी है? हाँ सर, फुल फॉर्म। ओके, एंड फिन है वैसे तो, पर एंड की तरह छोटा कर दिया नाम भी। ओके बढ़िया, बताइए आगे। जी बिल्कुल, तो जो खबरें आ रही है जहाँ पे एंट ग्रुप सेकेंडरी सेल के थ्रू थोड़ा सा अपना हिस्सा बेच सके, थोड़ा है कितना वो डिटेल्स नहीं है, क्योंकि उनकी दिसंबर की होल्डिंग खोल के देखेंगे तो वहां पे उनके पास करीबन 25% का पूरा 25% की हिस्सेदारी है कंपनी में। लेकिन जो बायबैक कंपनी का हुआ है, पेटीएम ने जो बायबैक अनाउंस किया था और जो प्रोसेस हुआ है उसके बाद उनकी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ सकती है, वो जो भी रेगुलेशन के हिसाब से 25% से ज्यादा हो सकती है, उसे लिमिट में करने के लिए ये सेकेंडरी सेल के थ्रू हिस्सेदारी बेच सकती है। ऐसी खबरें निकल कर आ रही है जहां पे उनके पास 90 डेज का टाइम है बायबैक पूरा होने के बाद। इसके अलावा आज ये भी खबरें आ रही थी कि भारतीय एयरटेल के जो सुनील मित्तल साहब है पेटीएम में हिस्सा खरीद सकते हैं और उनका जो एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है, जो अनलिस्टेड एंटिटी है, उसका भी मर्जर पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ हो सकता है। ये सारी खबरों पर जब हमने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की तो मैनेजमेंट की तरफ से भी बयान आते दिखा, जहां पे उन्होंने ये कहा कि हिस्सा बिक्री की खबरों पर कंपनी का जो बयान था उसमें यही था कि कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, फिलहाल हिस्सा बिक्री को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, कंपनी का जो पूरा फोकस है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ है। तो खबरों पे कंपनी की तरफ से बयान भी आया। अब इसके अलावा मैक्वेरी की रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ निकाले। अगर पेटीएम और एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है उनका मर्जर होता है तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कितना पॉजिटिव होगा, उस पर पेटीएम का कहना है कि उस पर मैक्वेरी का कहना है कि जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है वो नए ग्राहकों को शामिल नहीं कर सकता है क्योंकि आरबीआई की तरफ से उस पर प्रतिबंध है। अगर जब तक ये आरबीआई का प्रतिबंध नहीं हटता है तब तक डील नहीं मटेरियलाइज हो सकती है, इसीलिए अगर ये एक्विजिशन या मर्जर होता भी है तो भी ये इतना कोई पॉजिटिव नहीं होगा। और दोनों ही एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो दोनों ही अनलिस्टेड, तो शेयर स्वैप जो स्वैप रेशियो होगा वो भी फिलहाल निकालना डिफिकल्ट है। उनका ये भी कहना है कि इसके चलते मर्जर होने की बात भी जब तक आरबीआई का जो बैन लगा हुआ है वो नहीं हटता है तो नए क्लाइंट्स फिर भी ऐड नहीं कर पाएगी पेमेंट पेटीएम की पेमेंट बैंक्स। इसके साथ उन्होंने कहा है कि पेमेंट बैंक में विजय शेखर शर्मा जी के पास 51% की हिस्सेदारी है और जो बाकी की पेटीएम कंपनी के पास है 49% की हिस्सेदारी। उनकी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग पिछले कुछ दिनों पहले आई थी, डबल अपग्रेड किया था और 800 का उनका टारगेट है। तो न्यूज पर पेटीएम की तरफ से भी बयान आया और क्वेरी ने भी अपनी रिसर्च सामने रखी है। तो इनका स्मॉल फाइनेंस बैंक इनका भी है। हाँ, पेटीएम पेमेंट बिजनेस है जो अनलिस्टेड एंटिटी है। हाँ, जहाँ पे विजय शेखर शर्मा जी के पास 51% स्टेक है और 197 जो पेटीएम कंपनी है उनके पास 49% स्टेक है। और उस पे आरबीआई ने कुछ रोक लगाई, उस पे रोक लगे हुए नए कस्टमर्स ऐड नहीं कर सकते वो लोग, और जब तक ये नहीं हटेगा तब तक मटेरियलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है कि एक्विजिशन कितना बेनिफिट होगा कंपनी के लिए। ओके ओके, ये आपके लिए पूरा का पूरा पेटीएम पर अपडेट। एक बार जरा जैन साहब की भी राय ली जाए, वैसे जैन साहब आए नोट ट्रैक करते हैं, जरा जैन साहब जरा राय लीजिए इन सारे डेवलपमेंट के बीच पेटीएम पर। नहीं, आपने सही गेस किया अनिल जी, राय ट्रैक करते कि नहीं करते। मैं एक्चुअली मेरे इसको रडार से ऑफ रडार कर रखा हूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता ये स्टोरी। ठीक है, एक बहुत बड़ा करेक्शन आया, आपने उस लेवल पे काफी लोगों का पैसा भी बनवाया, बहुत सब सही भी है, बट मुझे समा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव स्पेस हो गया है। एक तो जितने भी बड़ी बड़ी जो ये बैंक्स है ये लोग भी ऐसा नहीं कर सके, ऐसा नहीं है, दुनिया भर के फंडेड स्टार्टअप्स और है, इनके कॉम्पिटिटर्स भी है, सो व्हाट्स सो डिफरेंट। ठीक है, इन्वेस्टर्स है, ये सारी बातें हैं। तो जो आपने सुबह कहा कि देखिए स्ट्रेटेजिक को इन्वेस्टर आता है तभी सही रहता है, और आज को एक बार मैंने देखा जब ये न्यूज थी और जो 9 बजे से लेकर 9:08 के बीच में जो एक अजीब सी प्राइसिंग होती थी, तो 20% का सर्किट भी लगते हुए देखा था इसमें, बट वो कुछ नहीं था, 9:03 पे फिर वापस से नॉर्मल हो गया। बट ओवरऑल मैं जो भी ये सारी चीजें होती है उसमें मैं एग्जिट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की राय दूंगा, और मुझे लगता है कि अपन यूनिवर्सल बैंक्स जो आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर, ये सारी अपॉर्चुनिटीज देखने चाहिए, बीएफएसआई सेगमेंट में रहना है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पेटीएम पर जैन साहब की तरफ से राय।